सब्जेक्ट इंग्लिश बच्चों, हम लोग आज सीखते थी वो भी लिखना सीखेंगे। सीखोर बच्चों क्या होता है? कैट बच्ची हमारी कौन सी कॉपी है? इंग्लिश की। इंग्लिश कॉपी कितने लाइन की होती है? चार लाइन की। चार लाइन की होती है, उसमें से बच्चों कैपिटल लेटर लिखने के लिए किस लाइन का यूज करते हैं? ऊपर रेड लाइन, ऊपर वाली रेड लाइन का और ये दोनों ब्लू लाइन का। सीखोर कैट लिखने के लिए बच्चों लोग क्या करेंगे, यहाँ एक डॉट और देंगे और ऊपर वाली रेड लाइन से नीचे आएंगे ब्लू लाइन में। क्या हो गया? सीखोर कैट। उसको ऑरेंज लिखने के लिए बच्चों ऊपर वाले रेड लाइन से नीचे वाले ब्लू लाइन में आएंगे, घुमाते लिखते हुए फिर ऊपर वाले रेड लाइन से आएंगे। क्या हो गया? ओ फॉर ऑरेंज। पी फॉर पेन लिखने के लिए बच्चों ये क्या करेंगे, ऊपर वाले रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और फिर ऊपर वाले रेड लाइन से नीचे ऊपर वाले ब्लू लाइन में ऐसे घुमाएंगे। हमारा क्या हो गया? पी फॉर पेन। बच्चों नीचे हम लोग को फाइंड द वे करना है, क्या मतलब होता है? फाइंड द वे मीन्स होता है रास्ता ढूंढो। बच्चों ये देखो यहाँ से ऐसे करेंगे हम लोग रास्ता ढूंढेंगे, ऐसे जाएंगे। बच्चों होमवर्क का सेम है। थैंक यू।